नया ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में WHO ने 26 नवंबर को जानकारी दी और उसके 48 घंटे के ही अंदर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक स्वास्थ्य विभाग की हुई, जिसमें पूरी तरीके से इस बात की समीक्षा की गई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी आज दुनिया में क्या स्थिति है। भारत में यदि आए और आने की संभावना बनती है तो हम लोग कैसे बिहार में उसकी तैयारी करें, मतलब उसका जांच कैसे करें, उसके प्रति सजगता कैसे बरतें, लोगों को आने से कैसे रोकें और यदि कोई आ गया तो उसको कैसे पहचानें और पॉजिटिव यदि आया तो फिर इलाज कैसे करें। इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो टीकाकरण की स्थिति है, जो जांच की स्थिति है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया और ये तय हुआ कि जो विदेश से आने वाले लोग हैं, खास करके वैसे देशों से जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल गया है, वैसे देशों से आने वाले लोगों की बहुत ही सघनता के साथ जांच की जाए, सतर्कता रखी जाए और बिहार के अंदर जो तीनों हवाई अड्डा है उन तीनों हवाई अड्डों पे किस प्रकार से अधिक ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जांचा जाए और यदि कहीं कोई पॉजिटिव केस आता है तो फिर उसका जीनोम सिक्वेंसिंग जो कराना होता है वो कराया जाए। बिहार में अभी IGMS में इसकी व्यवस्था शुरू की गई है और इसके पहले हम लोग देश के दूसरे राज्यों में ऐसे सैंपल्स भेज के जांच भी कराते रहे हैं। तो इस जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की व्यवस्था, फिर उसके बाद यदि मरीज कोई मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे बेहतर हो, तो जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन सारे हॉस्पिटल्स को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि हम सब लोग को तैयार रहना है। और इसके साथ ही जो पिछले दो बार के कोविड से हम लोगों ने सीखा है उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उन सारे जगहों पे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए गए, लगभग 125 जगहों पे PSA प्लांट्स लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो यदि कभी डिमांड फ्यूचर में आती है तो। इसके अलावा ICU लैब्स बढ़ाए जा रहे हैं, ICU वार्ड्स बढ़ाए जा रहे हैं और ICU वार्ड्स के अंदर सुविधाओं का विस्तार ये प्रयास किए जा रहे हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।